हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रवि एजेंट साइंस। फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये ऐसी ब्रांचेज हैं जो आपके कम्पिटेटिव एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं, तो मैंने सोचा आज के इस लेक्चर में आपको इन ब्रांचेज के बारे में ब्रीफ नॉलेज कराया जाए। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और वन बाई वन जो भी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं जो हमने इस वीडियो लेक्चर में जो है इंक्लूड किया है उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच जो है आपकी वो है क्रेनियोलॉजी। क्रेनियोलॉजी यानी आपका कपाल विज्ञान, इसे हिंदी में कहते हैं। कपाल यानी आपका जो हेड का जो अपर पार्ट है जिसमें हमारा ब्रेन जो है सेफ होता है, तो इसका ये कह सकते हैं कि लगभग ब्रेन का लगभग दो तिहाई भाग जो है ये आपका क्रेनम कहलाता है या स्कल कहलाता है। तो इसमें हम स्टडी करते हैं स्कल्स के बारे में, खोपड़ी के बारे में। तो यहाँ पर कुछ ब्रीफ आपको इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। विभिन्न मानव जातियों की खोपड़ी की आकृति और आकार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना ही क्रेनियोलॉजी कहलाता है। तो क्रेनियोलॉजी बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम स्कल्स का अध्ययन करते हैं, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। अर्थात इसमें हम केवल मानव की ही नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार के जो है, लेकिन ये जो हमने यहाँ पर जो है ब्रांचेस ली है तो जो यहाँ पर जो एनिमल से रिलेटेड है उसमें हमने मानव को रेफरेंस में किया है। तो जातियों की यानी आपका विभिन्न जंतुओं की जो है खोपड़ी की आकृति और आकार का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना है, चूँकि मानव पर ही ज़्यादा स्टडी किया गया है तो यहाँ पर ह्यूमन को ही रेफरेंस में लिया गया है, तो उसे कहते हैं क्रेनोलॉजी। क्रेनोलॉजी मतलब कपाल विज्ञान, कपाल विज्ञान मतलब विभिन्न प्रकार की खोपड़ियों का वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली स्टडी करना ही क्रेनोलॉजी कहलाता है। अगली ब्रांच देखिए न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी नहीं तंत्रिका विज्ञान, तो न्यूरो में यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, आर के बाद ओ रहेगा। न्यूरोलॉजी तंत्रिका तंत्र विज्ञान, तो तंत्रिका तंत्र विज्ञान जैसा आपकी स्पीकर में देख रहे हैं यानी हमारे शरीर में नर्व्स यानी तंत्रिकाओं का एक नेटवर्क, एक जाल बिछा रहता है जो विभिन्न प्रकार की इन्फॉर्मेशंस को ब्रेन तक पहुंचाती हैं। तो साथियों, इसमें हम नर्व्स का ही अध्ययन करते हैं, तंत्रिकाओं का ही अध्ययन करते हैं। ये नर्व्स के द्वारा जो है तंत्रिकाओं के द्वारा ये कह सकते हैं कि बॉडी को कम्युनिकेट रखती है। तो तंत्रिका तंत्र न्यूरोलॉजी में हम तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करते हैं, नर्व सिस्टम का अध्ययन करते हैं, नर्व्स का अध्ययन करते हैं। दो भागों में नर्व्स को डिवाइड किया गया है, CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला ब्रांच देखते हैं, नेक्स्ट अगली ब्रांच। तो अगली ब्रांच है साथियों सार्कोलॉजी। सार्कोलॉजी यानी पेशी विज्ञान, तो साथियों इसमें हम स्टडी करते हैं जो शरीर के जो मस्कुलर पार्ट होते हैं उसमें उसका अध्ययन करते हैं। शरीर के जो मस्कुलर भाग होते हैं, जो मसल्स होते हैं, उसमें हम सार्कोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो सार्कोलॉजी यहाँ पर आपने फिगर में आप देख पा रहे हैं कि जो मस्कुलर पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर आप मसल्स देख पा रहे हैं आसानी से। तो और यहाँ पर मसल्स के नाम भी दिए गए हैं, जैसे आपका जाइगोमैटिकस मेजर या लिम्पोरेलिस या मेसेस्टस। तो साथियों हमें नाम से यहाँ पर कोई विशेष मतलब नहीं है, हमें बस इतनी जानकारी रखनी है कि सार्कोलॉजी क्या है। तो सार्कोलॉजी है पेशी विज्ञान। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर फिगर इंक्लूड किया हुआ है जिससे आप आसानी से अपने दिमाग में एक पिक्चर को कैप्चर कर लें। तो सार्कोलॉजी में हम स्टडी करते हैं शरीर के मस्कुलर भागों का, मसल्स का, मांसपेशियों का अध्ययन करते हैं। अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट अगली ब्रांच है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी में हम ब्लड का अध्ययन करते हैं, तो ब्लड यानी रक्त से संबंधित, और रक्त क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं, और साथ साथ इसमें हम इसका कंपोजिशन स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। साथ साथ इसमें जो विकार होते हैं, जो इससे रिलेटेड जो डिजीजेज हैं, इसको भी हम इसमें हीमेटोलॉजी में ही स्टडी करते हैं। तो हीमेटोलॉजी का मतलब यानी आपका रुधिर विज्ञान। रुधिर विज्ञान मतलब रुधिर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें हम सारी चीज़ें स्टडी करते हैं, साइंटिफिकली स्टडी करते हैं। और तीन प्रकार की ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, RBC, WBC और प्लेटलेट्स, ये आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी यानी अस्थि विज्ञान। अस्थि विज्ञान यानी इसमें हम हड्डियों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो साथ ही उसमें हम कंकाल तंत्र का अध्ययन करते हैं, यानी जो हमारा जो बॉडी है, बॉडी जिस फ्रेम पर टिका होता है वही जो है स्केलेटल सिस्टम कहलाता है। तो हम इसमें ऑस्टियोलॉजी में हमें अस्थियों का अध्ययन करते हैं, हड्डियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अगली ब्रांच की तरफ चलें, अगली शाखा देखते हैं। तो साथियों नेक्स्ट अगली हम ब्रांच की तरफ चलते हैं, वो है ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान। तो दंत विज्ञान मतलब नाम से इसके क्लियर है, इसमें हम दांतों का अध्ययन करते हैं, टीथ्स के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो दांतों से संबंधित सभी प्रकार की जो इन्फॉर्मेशंस होता है उसका साइंटिफिक स्टडी जो है हम ओडोंटोलॉजी में करते हैं। दांत क्या है, दांत कितने प्रकार के होते हैं, कितनी बार दांत निकलते हैं, ठीक है, या फिर जो है दांतों से संबंधित विभिन्न प्रकार के रोग क्या है, इनका उपचार क्या है, ये सब चीज़ें हम ओडोंटोलॉजी में पढ़ते हैं। दांतों के विज्ञान में पढ़ते हैं, दंत विज्ञान में पढ़ते हैं, ओडोंटोलॉजी में पढ़ते हैं। ओडोंटोलॉजी मतलब दंत विज्ञान। अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी मतलब वाहिका विज्ञान। वाहिका मतलब आपका इसमें ऐसे हम यहाँ पर चीज़ें आपको बताई गई हैं वाहिका विज्ञान में क्या क्या पढ़ते हैं। तो इसमें हम धमनियों, नसों
और लसिका वाहिनियों और आपका माइक्रो सर्कुलेशन से संबंधित जो है उनके रोग या उनके उनके स्ट्रक्चर, ठीक है, साथ ही साथ जो है उनका क्या निदान हो सकता है, उनका ट्रीटमेंट क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। तो एंजियोलॉजी को कहते हैं वाहिका विज्ञान। वाहिका विज्ञान में हम वेसल्स का अध्ययन करते हैं। वेसल्स मतलब आर्टरीज का, वेन्स का या लिम्फ्स का, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। आर्टरी से संबंधित जो आपका वेन ब्लॉक की डिजीज़ हैं, इनका डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इनका जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है, इनका ट्रीटमेंट क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। वाहिका विज्ञान में हम आर्टरीज़ का, धमनियों का, सिराओं का और लसिका वाहिनियों से संबंधित विभिन्न रोगों, उनका उपचार आदि चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी में आप देखिए फिगर में बाकायदा दिखाया भी गया है, इसमें वेसल्स को आप आसानी से देख पा रहे हैं। जो रेड कलर की है वो आर्टरी है और जो आपका जो इसमें नीले रंग की है वो है आपका इसमें वेन्स है, और इसमें लिम्फ को जो है उतना क्लियर नहीं दिखाया गया है। लिम्फ जो है हरे रंग की होगी तो उसमें लिम्फ उतना क्लियर नहीं है, तो उसे कहते हैं लसिका वाहिनियाँ। तो सर ये था जो है एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी में मतलब आपका वाहिका विज्ञान, एंजियोलॉजी में वाहिका विज्ञान। वाहिका विज्ञान आपका आर्टरीज, वेन्स और लिम्फ्स में जो संबंधित जो आपके ब्लड फ्लूड होते, जो फ्लूड होते हैं उनका सर्कुलेशन, उनसे संबंधित उनका डिजीज़, उनका ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करते हैं एंजियोलॉजी वाहिका विज्ञान में। अगली ब्रांच है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या है? एंडोक्राइनोलॉजी मतलब अंतःस्राव विज्ञान। अंतःस्राव विज्ञान मतलब इसमें हम पढ़ते हैं जो विभिन्न प्रकार की ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में, उन ग्लैंड्स के द्वारा जो हार्मोन सिक्रेशन होता है उसको हम स्टडी करते हैं। तो अंतःस्रावी तंत्र में हम शामिल अंगों में पिट्यूटरी ग्लैंड्स के नाम है, पिट्यूटरी, थायराइड या अधिकृकि या अंडाशय या टेस्टिस यानी वृषण, अग्नाशय इत्यादि ये ग्लैंड्स हैं। ये ग्रंथियां रक्त में हार्मोन को स्रावित करती हैं, सेक्रेट करती हैं। तो साथियों एंडोक्राइनोलॉजी अंतःस्राव विज्ञान। अंतःस्राव विज्ञान में हम ग्लैंड्स का अध्ययन करते हैं जो कि हार्मोन्स को सीक्रेट करते हैं। तो हार्मोन को सीक्रेट करने वाली ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। एंडोक्राइनोलॉजी में हार्मोन को सीक्रेट करने वाली ग्रंथियों का अध्ययन करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी में। चलिए नेक्स्ट अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं साथियों। एंडोक्राइनोलॉजी में देखिए ये कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं, यहाँ पर आपको फिगर में दिखाई दे रही हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, पिनियल का ग्लैंड हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड्स दिखाई गई है, एड्रेनल ग्लैंड, पैनक्रियाज, यूट्रस, ओवरीज, टेस्टिस, थाइमस ग्लैंड, ये आपको ग्लैंड्स यहाँ पर दिखाई गई हैं, शो की गई हैं। और ग्लैंड्स का काम होता है ये जो है हार्मोन्स को सिक्रेट करने का काम करती हैं, डायरेक्ट ब्लड में इनको डालती हैं। ये डक्टलेस ग्लैंड होती हैं, इनमें कोई नलिकाएं नहीं होती हैं, नलिकाविहीन ग्रंथियां इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं। तो साथियों अगली ब्रांच है कॉन्ड्रोलॉजी। कॉन्ड्रोलॉजी मतलब उपास्थि विज्ञान। अभी हमने अस्थि के बारे में पढ़ा था, अब ये उपास्थि, जैसे कि इस तरीके से जो बोन्स होती हैं, जो अस्थियां होती हैं बॉडी के स्ट्रक्चर में सपोर्ट सहायता करती हैं, हेल्प करती हैं, उसी तरीके से जो उपास्थि होती है, जो कार्टिलेज होती है साथियों, जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज का भी काम होता है बॉडी को सपोर्ट करना, पर ये उतना जो है कह सकते हैं फर्म नहीं होती हैं, उतना रिजिड नहीं होती हैं। ये जो है कह सकते हैं कि जैसे आप अपनी नोज को अगर आप टच करिए तो है, तो ये एक सेफ ही है, बॉडी का एक सेप, एक संरचना है, लेकिन ये उतनी सॉलिड नहीं है, तो ये कार्टिलेज है। इसी टाइप से जो ऑर्गन्स होते हैं, जो अंग होते हैं, जो लचीले टाइप के होते हैं, जैसे कान हो गया, तो ये कार्टिलेज के बने होते हैं, ये आपकी उपास्थियों के बने होते हैं, ये भी आपके शरीर की संरचना से संबंधित ही। यहाँ पर लिखा हुआ है कॉन्ड्रोलॉजी शरीर रचना विज्ञान की वो शाखा है, यानी एनाटॉमी की वो ब्रांच है जिसमें हम जो उपास्थि संबंधित है, उपास्थि मतलब कार्टिलेज से रिलेटेड है। तो कॉन्ड्रोलॉजी में हम कार्टिलेज का स्टडी करते हैं। कार्टिलेज यानी उपास्थि। उपास्थि क्या है? उपास्थि जो है एक ऐसी संरचना है जो बोन के जैसा फर्म तो नहीं होती है, लेकिन जो है बॉडी के स्ट्रक्चर में सपोर्ट करती है, इसे उपास्थि कहते हैं। नेक्स्ट अगली ब्रांच है एम्ब्रियोलॉजी यानी भ्रूण विज्ञान। तो साथियों एम्ब्रियोलॉजी फिगर में आप इसको बाकायदे क्लियर देख पा रहे होंगे। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विज्ञान में हम किसको स्टडी करते हैं? तो साथियों इसमें हम फर्टिलाइजेशन के बाद, निषेचन के बाद पूरे एम्ब्रियो, पूरे भ्रूण का विकास यानी शिशु के निर्माण तक की पूरी अवस्थाओं को हम एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ते हैं, भ्रूण विज्ञान में पढ़ते हैं। तो एम्ब्रियोलॉजी जीव विज्ञान की वो शाखा है जिसमें हम निषेचन से लेकर के शिशु विकास की पूरी अवस्थाओं को पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। अब कुछ ब्रांचेज ऐसी हैं जिसमें हमने फिगर को इंक्लूड नहीं किया हुआ है, तो ऐसे ही पढ़ लेते हैं। टैक्सोनॉमी मतलब वर्ग की। तो इसमें साथियों हम जीव जातियों के नामकरण और उनके वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं टैक्सोनॉमी में। टैक्सोनॉमी यानी वर्ग की में हम जीव जातियों के वर्गीकरण और उनका नामकरण का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स यानी अनुवांशिकी या अनुवांशिकी विज्ञान। तो साथियों जेनेटिक्स तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है इस टर्म्स को, तो इसमें हम जीवों के अनुवांशिक लक्षण और उनकी वंशागति का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स क्या हैं और उनकी हेरिडिटी क्या है, इसको हम पढ़ते हैं जेनेटिक्स में। पैथोलॉजी मतलब रोग विज्ञान। तो पैथोलॉजी में हम रोगों की प्रकृति, लक्षणों और कारणों का अध्ययन करते हैं। पैथोलॉजी यानी रोग विज्ञान में रोगों से संबंधित यानी रोगों की प्रकृति क्या है, उनका लक्षण क्या है और उनका निदान क्या है, इसका अध्ययन करते हैं।
नेक्स्ट अगली ब्रांच है एरोबायोलॉजी। एरोबायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत बार बार पूछा जाता है। एरोबायोलॉजी क्या है? तो हवा में उड़ने वाले जंतुओं का अध्ययन करते हैं। इसमें जो हवा में उड़ने वाले जंतु होते हैं, एरो मतलब एयर से लिया गया है, बायोलॉजी मतलब यानी आपका जीव विज्ञान मतलब जीवों का अध्ययन। तो ऐसे जो जीव जंतु जो हवा में उड़ते हैं, उड़ने वाले जो जीव जंतु होते हैं उनमें हम उनका अध्ययन करते हैं एरोबायोलॉजी में, या इसे कहते हैं वायु जैविकी मतलब एरोबायोलॉजी। अगली ब्रांच देखें लेमनोलॉजी। लेमनोलॉजी मतलब सरोवर विज्ञान। तो साथ ही उसमें हम तालाबों, पोखरों, झीलों आदि के जीवों का अध्ययन करते हैं। लेमनोलॉजी में हम तालाब के, पोखरों के या झीलों के जो जीव होते हैं इनका अध्ययन करते हैं, जो इन सब जगहों पर पाए जाते हैं लेमनोलॉजी में, लेमनोलॉजी या सरोवर विज्ञान। अगली ब्रांच देखते हैं एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी मतलब कीट विज्ञान। तो साथ ही उसमें हम कीट पतंगों से संबंधित स्टडी करते हैं। इंसेक्ट से रिलेटेड जो स्टडी होता है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। इंसेक्ट से जो रिलेटेड स्टडी है उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। मर्मिकोलॉजी क्या है? मर्मिकोलॉजी मतलब पिपीलिका विज्ञान। पिपीलिका हम कहते हैं चींटी को बोलते हैं। तो साथियों मर्मिकोलॉजी में हम चींटियों का अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ एंट्स इज नोन एज मर्मिकोलॉजी। नेक्स्ट अगली ब्रांच से चलें आपका इक्थियोलॉजी साथियों जो है स्टडी ऑफ फिशरीज या इसमें हम मछलियों का अध्ययन करते हैं, फिशेस का अध्ययन करते हैं। तो साथियों इसमें हम फिश या मत्स्य का अध्ययन करते हैं। तो मछलियों की संरचना, उनकी कार्यकी या उनके जीवन वृत्त को स्टडी करने वाली जो ब्रांच होती है उसे हम मत्स्य विज्ञान कहते हैं या इक्थियोलॉजी कहते हैं। इक्थियोलॉजी या मत्स्य विज्ञान में हम मछलियों की संरचना, उनकी कार्यकी, फिजियोलॉजी, उनकी जीवन वृत्त, इन सबको स्टडी करते हैं हम मत्स्य विज्ञान में। मत्स्य विज्ञान मतलब इक्थियोलॉजी। अगली ब्रांच की तरफ चले साथियों। तो नेक्स्ट अगली ब्रांच है आपका ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान। तो इसमें साथियों हम बर्ड्स का जो पक्षी होते हैं उनका अध्ययन करते हैं, एवीज का अध्ययन करते हैं। इसमें एवीज यानी आपका बर्ड्स यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। इसमें एवीज यानी बर्ड्स यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है ऑर्निथोलॉजी में। ये भी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। ऑर्निथोलॉजी मतलब पक्षी विज्ञान यानी इसमें एवीज यानी उड़ने वाले जो पक्षी हैं इनका अध्ययन करते हैं। मैमोलॉजी एरोबायोलॉजी में क्या करते हैं? एरोबायोलॉजी में हम उनका अध्ययन करते हैं जो हवा में उड़ने वाले जीव जंतु होते हैं। और ऑर्निथोलॉजी स्पेशली बर्ड्स का अध्ययन करते हैं, पक्षियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, एरोबायोलॉजी में तो सभी आ जाएंगे, लेकिन स्पेशली अगर हम बर्ड्स की बात करें तो वो है आपका ऑर्निथोलॉजी। मैमोलॉजी क्या है? मैमोलॉजी मैमल से रिलेटेड है। इसमें स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है, जो स्तनधारी होते हैं जिनके मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है। ऐसे जीवधारी जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होती है, स्तन ग्रंथियां होती हैं, उन्हें हम स्तनधारी कहते हैं। तो इसमें मैमल्स का अध्ययन करते हैं। स्तनधारियों का अध्ययन करने वाली जो विज्ञान की शाखा है मैमोलॉजी कहलाती है। अगली ब्रांच है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड है। इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षण विज्ञान। तो साथियों संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन। जब इन्फेक्शन होता है तो उसके रिस्पांस में जो बॉडी जो रेजिस्टेंट करता है, जो कह सकते हैं एक प्रतिरोध उत्पन्न करता है, उसे हम कहते हैं इम्यूनोलॉजी मतलब प्रतिरक्षण विज्ञान। प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में अध्ययन किया जाता है, विज्ञान की वो शाखा जिसमें हम बॉडी की प्रतिरक्षा तंत्र का अध्ययन करते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम का अध्ययन करते हैं साथियों, उसे कहते हैं इम्यूनोलॉजी कहते हैं उसे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम स्टडी करते हैं इम्यून सिस्टम का। साथियों नेक्स्ट अगली ब्रांच है आपका माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी मतलब सूक्ष्म जैविकी। माइक्रोबायोलॉजी में हम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनको स्टडी करते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी यानी सूक्ष्म जैविकी में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट अगली ब्रांच है आपका फिशरी यानी मत्स्य की। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था इक्थियोलॉजी। इक्थियोलॉजी में हम फिश यानी मछलियों की, उनकी संरचना, उनकी कार्यकी, उनके जीवन वृत्त का अध्ययन करते हैं। लेकिन जो फिशरी है साथियों, इसमें हम केवल इनके हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से इनके उद्योग के लिए मछली पालन जो किया जाता है, ठीक है, और उनकी जो मार्केटिंग की जाती है, इन सब चीज़ों को हम फिशरी में पढ़ते हैं। तो फिशरी में मछली पालन, उनके क्रय विक्रय यानी मार्केटिंग, और उनके इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो स्टडी किया जाता है उसे फिशरी कहते हैं। और इक्थियोलॉजी में हम उसकी मछलियों की संरचना, मतलब जब उसको हम इनकी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सब चीज़ों को स्टडी करते हैं तब उसे हम कहते हैं इक्थियोलॉजी कहते हैं। और जब उसके हम केवल हम इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से या कह सकते हैं प्रोफेशनली पॉइंट ऑफ व्यू से हम जब उसको स्टडी करते हैं तो उसे फिशरी कहा जाता है। अगला है नेक्स्ट अगली ब्रांच है ओफियोलॉजी। ओफियोलॉजी मतलब सर्प विज्ञान। तो साथियों इसमें हम सर्प का अध्ययन करते हैं, इसमें सांपों का अध्ययन करते हैं। ओफियोलॉजी में हम सर्प विज्ञान जिसे कहते हैं, सर्प विज्ञान है, अब नाम से ही इसके स्पष्ट है सर्प विज्ञान है, तो सांपों का ही अध्ययन करेंगे। इसमें सर्प का अध्ययन करते हैं, सांपों का अध्ययन करते हैं। और लास्ट ये ब्रांच है आपका ट्रोफोलॉजी। ट्रोफोलॉजी जो है इसे हम कहते हैं पोषण विज्ञान। साथियों इसमें हम जीव जंतुओं के पोषण और पोषण की विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं ट्रोफोलॉजी में।
ट्रोफोलॉजी, पोषण विज्ञान में हम जंतुओं की पोषण और पोषण विधियों का अध्ययन करते हैं ट्रोफोलॉजी में। तो साथियों, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी की ब्रांचेस, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो जल्द ही एक नए लेक्चर के साथ, एक नए कंटेंट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए